स्पीति जो है गुलजू का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर पूरे देश से, पूरे विश्व से, बाहर से भी लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन शौचालय के लिए सब लोग परेशान रहते हैं। कभी नीचे, कभी ऊपर, इधर उधर घूमते रहते हैं। होटलों में जिसके पास है वो कभी अपने होटल में थोड़ा बहुत करा देते हैं, बाकी लोग ऐसे ही इधर उधर भाग जाते हैं। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि इस टाइप की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, अगर आपने इतना पैसा इसमें खर्च कर रखा है तो थोड़ी बहुत उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ रखा जाए, या उसके लिए आप आदमी यहाँ दीजिए। हमारा तो निवेदन आपसे यही है कि जब भी इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो आप एक आदमी यहाँ के लिए इस ढंग से नियुक्ति किया जाए, चाहे कुछ के लिए थोड़ा बहुत अनुदान दुकानदार भी दें। यहाँ से कहना चाहूँगा, आप खुद देखिए कि कितनी गंदगी से पटा हुआ है, देखिए, है ना। तो अब प्रशासन आता है, हर अधिकारी प्रशासन से यहाँ आता है, लेकिन इस पर नज़र किसी की नहीं पड़ती है। अब यहीं पर एक शौचालय यह है, एक शौचालय 50 मीटर नीचे है, वो करीब 15 से 20 लाख लागत का बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी ही है, बंद ताला लगा पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, उस पर कोई व्यक्ति नहीं है। अब यह है कि प्रशासन से विशेष रूप से अपील है कि ये स्वच्छक की नियुक्ति यहाँ कर दी जाए, जिससे दर्शनार्थियों को भी सुख सुविधा हो, दुकानदार भी परेशान ना हो। ये स्थानीय यहाँ पे जो है लाखों रुपए की जो यहाँ पर ये शौचालय बना हुआ है, तो इसमें जो है हमारे जिला प्रशासन भी कही है, इसमें उसका भी इसमें मतलब कोई वो नहीं है, देख रेख के अभाव में जो है ऐसे छोटा पड़ा हुआ है। और ना इसमें स्वच्छक है, ना सफाई कर्मचारी है इसमें, और इसका कोई देख रेख नहीं। और इतना मैं 20 लाख की कम से कम ये बिल्डिंग बनी होगी, शौचालय कम से कम मेरा मानना है। दोबारा फिर इसमें पर्यटन से फिर इसमें जो है काम हुआ है, जो जो कि आरियस से हुआ था, तो इसमें तब से देख रहा हूँ कि इधर पिछले लॉकडाउन से ये बंद पड़ा है, तो इसमें ये देख रेख के अभाव में जो है ये बंद पड़ा हुआ है। और ना ही इसमें पानी है,